हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो देखिए, आज संडे का दिन है और संडे के दिन आराम से उठते हैं और उसी वजह से सब कामों में लेट हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, संडे का दिन अपना दिन होता है तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो चलता है। तो यहाँ पर मेरा कल का दूध बच गया था तो मैं उसकी खीर बना रही हूँ, क्योंकि खीर हमारे घर में सभी पसंद करते हैं। हमारे घर में रोटी सब्जी बने या ना बने, लेकिन मीठे में कुछ ना कुछ ज़रूर बनना चाहिए। तो बस मैंने खीर बना दी है और हमारे बच्चों को तो खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, खीर हमारी बन गई है, मैं बच्चों को दे देती हूँ। और यहाँ पर मेरा दूध आ गया था तो मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है और गैस में बिल्कुल स्लो कर दूंगी, क्योंकि उसमें निकलने का डर नहीं रहता, कई बार ध्यान नहीं रहता और फिर दूध निकल जाता है। तो जब तक मेरा दूध गर्म होता है तब तक मैं किचन कंटेनर साफ़ कर लेती हूँ। ये हमारे कुछ चीनी का डिब्बा है और कुछ मसालों के डिब्बे हैं। तो एक मैंने हल्का सा गीला कपड़ा कर लिया है, उस पर डिश वॉश डाल दिया है थोड़ा सा। तो पहले मैं इससे साफ़ कर लूँगी, उसके बाद एक सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। मैं तो ऐसे ही साफ़ करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो मैं इन्हें फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे खाना बनाना है। खाने में आज बनाऊँगी दाल और रोटी। पर खाना पीना हमारा हो गया था तो बच्चों का मन था साइकिल चलाने का, तो ये बच्चों को लेकर नीचे चले गए। थोड़ी देर इनको घुमा कर ले आते हैं नीचे, उसके बाद मैं भी झाड़ू पोछा कर लूँगी और नहा लूँगी। फिर मुझे भी मार्केट जाना है, कुछ सामान लेकर आना है, और मैं क्या लेकर आऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। बच्चे नीचे से आने के बाद ट्यूशन चले गए थे, रिया और हर्ष ट्यूशन गए हैं और यहाँ पर नमन की चल रही है साइकिल। कितनी बार मना करती हूँ मैं इनको कि घर में साइकिल नहीं चलाते, तो ये सुनते नहीं हैं। और नमन तो वैसे भी हमारे बहुत जिद्दी है, बिल्कुल नहीं सुनता है किसी की भी। अभी रो रहा था, पापा बाहर गए थे तो इसको साथ में नहीं लेकर गए, तो ये बहुत रोया। उसके बाद फिर साइकिल चलाने लग गया। तो फिर बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, हर्ष ने बोला कि मम्मी दलिया बना दो मेरे लिए, तो मैंने बच्चों के लिए दलिया बना दिया है, तो बस वही उनको दे रही हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं पूजा कर रही हूँ। ये मैंने दिया साफ़ कर लिया है और ये देखिए सुबह की धूप बत्ती है, ये जली नहीं है, ध्यान नहीं दिया हमने। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देती हूँ और दूसरी लगा दूँगी। तो उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, मैं पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद किचन में चलते हैं। खाने में बनाऊँगी मैं आज
चावल और दाल रखी है मेरी दोपहर की, बस उसी को दोबारा तड़का लगाकर गरम कर दूंगी। और तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, उसी में थोड़ा सा जीरा, लहसुन और मिर्ची डालकर मैं दाल को फ्राई कर लूंगी। मार्केट गई थी और वहाँ से कुछ सब्जी लेकर आई हूँ और कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब। तो ये देखिए, मैं धनिया, गोभी, आलू और अदरक, मटर, ये सब सब्जियाँ लेकर आई हूँ। और बच्चों के खाने के लिए अमरूद और संतरे लेकर आई हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैं ये नमन के लिए 3 पजामी लेकर आई हूँ। ये काफ़ी गर्म है और कपड़ा भी अच्छा है, कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, तो मैं बस ये 3 ले आई हूँ नमन के लिए। कपड़े मैं तीनों बच्चों के लिए लेकर आई हूँ और अपनी भी कुर्तियाँ लेकर आई हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये तो मैं तीनों के लिए ही लेकर आई हूँ, तीनों के एक जैसे है। और हर्ष ने तो पहन के भी देख लिया है, बोल रहा था कि मम्मी बहुत अच्छा लगा मुझे, और खुश हो गए बच्चे कपड़े देख कर। तो बस वही है, बच्चों के गर्म कपड़े लेकर आई हूँ, इनर लेकर आई हूँ दोरिया के, और अपनी कुर्तियाँ लेकर आई हूँ। और मुझे तो ये कपड़े बहुत अच्छे लगे, आप भी बताना कमेंट में आपको कैसे लगे। और ये देखिए, ये रिया के इनर है, 2 लेकर आई हूँ रिया के। तो ये देखिए, मैं अपने लिए 2 कुर्तियाँ लेकर आई हूँ और 3 गर्म पजामी हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। और ये मैं अमरूद और ऑरेंज को पन्नी में से बाहर निकाल लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। और ये मिर्ची और मटर अलग कर लेती हूँ। और उसके बाद बच्चे अमरूद मांग रहे थे, तो मैंने अमरूद काट कर बच्चों को दे दिए है, चाट मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं अमरूद। फिर मुझे ये मटर भी निकालने थे, तो देखिए मेरा 1 से 1.5 घंटा लग गया इसी में ही। मैं पहले मटर निकाल के रखे इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे ये धनिए की पत्ती भी छांटनी थी, तो ये देखिए इसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो मैं इनको छांट कर एक टिश्यू पेपर में लपेट कर और एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि धनिया बहुत ज़्यादा है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और इससे ये काफ़ी समय तक सही रहेगा, बहुत दिन तक चल जाएगा ये ऐसे ही, 10-15 दिन तक। तो यहाँ पर हमारा खाना पीना हो गया था, बस बर्तन बचे थे, मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।
और वीडियो को फुल देखने के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।